हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ़ोन नहीं आ रहा है और नहीं जा रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क या सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर सिम वन और सिम टू का ऑप्शन आएगा। जिस सिम में प्रॉब्लम आ रही है उस सिम पर आपको क्लिक कर देना है। तो हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब इस तरह सेटिंग्स ओपन होगी। अब देखिए यहाँ पर ओल्ड कॉल का ऑप्शन है, अगर ये ऑप्शन यहाँ पर बंद होगा तो इस ऑप्शन को चालू कर देना है। चालू करने के बाद अब यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन है प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब अगर यहाँ पर यह 2G या 3G पर क्लिक है तो आपको 4G या फिर अगर आपके फ़ोन में 5G है तो 5G पर क्लिक कर देना है। इतना आपको चेक करना है, फिर आना है बैक। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम्स का, इस सेटिंग को APN सेटिंग भी कहते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर रीसेट एक्सेस पॉइंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से रीसेट कर देना है। जैसे इतना कर लेंगे अब APN सेटिंग रीसेट हो जाएगी। अब आना है बैक। अब नीचे यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा ऑपरेटर नाम का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेक करना है, अगर ये ऑटो सेलेक्ट नहीं होगा, बंद होगा, तो इस पर क्लिक करके इस तरह ऑटो सेलेक्ट कर लेना है। तो इतना आपको चेक कर लेना है। इतना चेक करने के बाद अब आना है बैक होम स्क्रीन पर और अब अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ़ करना है। स्विच ऑफ़ करने के बाद स्विच ऑन कर लेना है और जैसे ही इतना कर लेंगे अब आप फ़ोन लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए अब हम फ़ोन लगाकर चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी प्रॉब्लम थी सब ठीक हो गई है, इस तरह आपके फ़ोन में सही हो जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।